A very warm welcome to everyone watching this video. Myself Vikas Nehra, I am associated with GNIT College of Management of GN Group Greater Noida, and I am here with the topic of forensic accounting of financial accounting and analysis. So, students, let us start the topic. Let us see before starting the topic forensic accounting, we should come to know what is forensic. बेसिकली फॉरेंसिक मीन्स इट इज़ आ टर्म विच इज़ यूजिंग द विच इज़ यूज फॉर आ मेनली ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और मैथड इन सॉल्विंग क्राइम्स और वी कैन से यूजिंग साइंटिफिक टेस्ट टू फाइंड अबाउट अ क्राइम्स जो क्राइम्स होते हैं तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हम बहुत सी फॉरेंसिक जो ऑडिटिंग के हैं फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं या फॉरेंसिक टेस्ट करते हैं उन्हीं को हम फॉरेंसिक बोलते हैं And what is accounting? As you know, that accounting is a recording of financial transactions pertaining to our business, and it is a process which is summarized and analyze in reporting these transactions and communicate to a company or an individual, it means insiders as well as outsiders. We calculate the profit and loss from through financial statements. So, basically uh, when the word come is forensic accounting, it is basically it is a combination of

और भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं अकाउंटिंग की लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग दरअसल ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है आज के टाइम में हम देखते हैं कि कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता जा रहा है और उस फ्रॉड होने की वजह से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है है ना इन्वेस्टर्स क्या करते हैं अपना पैसा लगाते हैं उनका पैसा डूब जाता है और आखिरकार किस रीज़न से फ्रॉड हुआ या कंपनी क्या कर रही है जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे कि सत्यम केस में कंपनी डूब गई कंपनी के साथ साथ उनका पैसा भी डूब गया ऐसी ना जाने कितनी कंपनीज़ हैं तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को भी लॉस हुआ साथ साथ गवर्नमेंट को तो लॉस हुआ ही हुआ क्योंकि उनकी अगर एक कंपनी डाउन होती है साथ साथ आपकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है फाइन तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका अकाउंटिंग का क्योंकि दरअसल है क्या इसके थ्रू हम क्राइम्स को फाइंड आउट करते हैं कि दरअसल कहाँ कहाँ फ्रॉड हुआ हमारी अकाउंटिंग में किस किस रीजन से अकाउंटिंग में फ्रॉड हुआ क्या क्या रीजन्स रहे कि किस कंपनी ने क्या क्या किस तरह के फ्रॉड किए लेट्स सी बेसिकली इट इज़ ए स्पेशलिटी प्रैक्टिस एरिया वेयर अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स आर यूज्ड तीनों तरह की स्किल्स आपके लिए यूज़ की जाती हैं एक तो इसमें अकाउंटिंग स्किल्स भी चाहिए होती है साथ साथ ऑडिटिंग स्किल्स भी और साथ साथ आपकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स भी चाहिए होती है जिससे कि आप क्या कर सको किसी भी इंफॉर्मेशन को एक अच्छे से एनालाइज कर सको और आप उसे कोर्ट में पेश कर सको क्योंकि कोर्ट में क्या होता है हमें कोर्ट में उस चीज़ों की पेशी करनी पड़ती है कि उन चीज़ों को दरअसल क्या क्या फैक्ट्स रहे वो देने पड़ते हैं क्या क्या रीजंस रहे है ना कौन करता है वो फाइने जो फॉरेंसिक ऑडिटर होता है वही इस काम को करता है और वी कैन से कि फॉरेंसिक ऑडिटर प्रोवाइड्स एन अकाउंटिंग एनालिसिस सुटेबल टू बी यूज्ड इन लीगल प्रोसीडिंग्स फाइन बिल्कुल सही लीगल प्रोसीडिंग्स में काम आता है क्योंकि जब भी कोई केस अगर कोर्ट में जाता है फाइन तो उसमें कोर्ट में क्या चाहिए होते हैं हमें वहाँ पर उसके लिए कुछ ना कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि फाइन जो फॉरेंसिक ऑडिटर द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो उसकी जांच पड़ताल करता है उसके बाद उसे लीगल प्रोसीडिंग के लिए वो कोर्ट में पेश कर देता है एंड इट इज़ अ फाइन इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन फ्रॉड एंड एम्बलमेंट केसेज टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल क्राइम इन कोर्ट दरअसल किस तरह का फाइनेंशियल क्राइम क्या है किसी भी कंपनी में फाइन इस चीज़ के लिए इसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग मेनली इट इज़ यूज बाय द इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिल्कुल सही बात देखिए हालांकि सभी इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा आपका हर हाँ, सभी इंडस्ट्रीज़ में कुछ ना कुछ नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ्रॉड कंपनियां करती रहती हैं करती हैं तो पकड़ी भी जाती हैं लेकिन हम अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखें सबसे ज़्यादा यूज़ इसका यही होता है क्यों यूज़ होता है फ़ाइन क्यों यूज़ होता है इसका क्योंकि दरअसल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोग बाग बहुत सारे झूठ बोल के क्लेम ले लेते हैं ठीक है ना फाइन तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा यही मिलता है कि दरअसल जब भी कोई क्लेम आता है तो फॉरेंसिक ऑडिटर क्या करता है उस क्लेम को चेक करता है आदर दे आर गिविंग अब आवर डॉक्यूमेंट आर गिविंग बाय द साइड ऑफ द कस्टमर दे आर एप्सोल्यूटली करेक्ट और नॉट उसको फाइंड आउट करने के बाद वो फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बताता है कि कितना सही है और कितना गलत है क्योंकि सपोज़ अब तो हम मान लेते हैं कि किसी का छोटा मोटा क्लेम है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं नियर अबाउट वन करोड़ का इंश्योरेंस कराने के बाद फिर उसे क्लेम करती हैं और क्लेम करने के बाद क्या होगा फिर कंपनी अगर क्लेम कंपनी का क्लेम पास हो जाता है तो उसका क्या होगा कंपनी का प्लेस होने पास होने के बाद इंश्योरेंस कंपनीज़ को वो देना पड़ेगा और ये जितने भी बड़े अमाउंट हो ये तो एक कंपनी की बात हुई अगर दस कंपनी ले लिया तो दस करोड़ बैठ गए तो इसलिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग मेनली यूज इन इंश्योरेंस कंपनी सो दैट दे कैन इस्टेब्लिश डैमेज फ्रॉम द क्लेम्स आखिरकार हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ़ फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन इंडिया की <coughs> पहली बार सबसे ज़्यादा जो ये वर्ड यूज़ किया गया था ये कौटिल्या के टाइम पे यूज़ किया गया था इवन कौटिल्या से भी पहले अगर हम बात करें एक ये उस टाइम पे कौटिल्या कौटिल्या से पहले कह रहा हूँ कि कौटिल्या और एक आपने नाम सुना होगा बीरबल उनके टाइम पे भी उन्होंने बहुत सारे फॉरेंसिक जो वो भी क्या थे एक जो फ्रॉड्स को फाइंड करने के लिए जो बीरबल का नाम था वो सबसे आगे था अगर हम बात करें फ़िलहाल कौटिल्या की ही वॉज़ द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू मैंशन द फेमस फोर्टी वेज चालीस ऐसे उन्होंने ऑप्शंस बताए थे कि किस तरह से हम फ्रॉड्स को फाइंड आउट करते हैं कर सकते हैं अपनी किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी कंट्री में या फिर कहीं भी किसी भी शासन में सो मिस ही ही टोल्ड दैट फोर्टी वेज़ ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन इन हिज फेमस बुक और उस फेमस बुक का नाम था कौटिल्या अर्थशास्त्र 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 का मतलब होता है इकोनॉमिक्स धीरे धीरे इसका जो डिमांड बढ़ती चली गई आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है इसकी और बहुत आपके लिए देखा जाए तो कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग के लिए एक अलग से ब्रांच बना दी गई है आर बी आई स्टूडेंट नोटिफिकेशन ऑन फॉरेंसिक ऑडिटिंग इन टू थाउजेंड नाइन एंड इन ड्राइव टू रिड्यूज़ एन पी ए वॉट इज़ एन पी ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि वो एसेट्स जो कि किसी काम की नहीं रह गई हैं किसके लिए बैंक्स के लिए तो आर ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर 2009 में किस चीज़ के लिए ताकि एन को रिड्यूस किया जा सके नॉन परफॉर्मिंग एसेट सो दैट दे कैन रिड्यूस द नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड बैंक फॉरेंसिक ऑडिटर्स आर प्लेइंग अ की रोल इन इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर कॉल्ड अपॉन टू टेक अप सच इन्वेस्टिगेशन असाइनमेंट्स बैंक फॉरेंसिक ऑडिटर्स सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इसमें क्योंकि दरअसल उन्हें सारी नॉलेज होती है उस बैंकों की और उसी के लिए वो अपना फॉरें उनमें से ही जो उनके सी या जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उन्हें फॉरेंसिक ऑडिटर बना दिया जाता है सो दैट दे कैन फाइंड आउट द फॉल्ट एंड फ्रॉड्स मेनली जो अगर हम बात की बात करें तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस सीए के द्वारा की जाती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वाइड यूज ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर एन केसेस रजत गुप्ता केस एंड सत्यम केस ऐसा ही तोड़ लियू कि सत्यम केस में भी बहुत बड़ा सत्यम स्कैंडल हुआ था उसके बाद जो है फिर फॉरेंसिक अकाउंटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी इंडिया में फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांचेज ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग दे आर आर मेनली टू ब्रांचेज ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग फर्स्ट वन इज लिटिगेशन सपोर्ट सेकेंड वन इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन वर्ड इज़ यूज लाइक लिटिगेशन मीन्स होता है कि एक तरह से मुकदमेबाजी फाइन और किस चीज़ के लिए क्यों यूज़ किया जाती है ताकि हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूज़ कर सकें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ कर सकें फाइन लेट्स सी व्हाट आर द लिटिगेशन सपोर्ट फॉरेंसिक अकाउंटिंग फॉर लिटिगेशन लिटिगेशन सपोर्ट्स प्रोवाइड्स एन असिस्टेंस ऑफ एन अकाउंटिंग नेचर इन मैटर इन्वॉल्विंग एग्जिस्टिंग और पेंडिंग लिटिगेशन जो हमारी लिटिगेशन सपोर्ट है वो क्या करती है एक तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किस चीज़ के लिए अकाउंटेंट को हर मैटर पर जिसमें भी वो दरअसल कोई भी अगर पेंडिंग केसेस हों या कोई एग्जिस्टिंग केसेज हों उसे सॉल्व आउट करने के लिए इट डील्स विद द इट डील्स प्राइमरी विद इश्यूज रिलेटेड टू द क्वांटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक डैमेज क्वांटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक डैमेज पार्टीज़ इन्वॉल्व इन लीगल डिस्प्यूट्स यूज़ द क्वांटिफिकेशन टू असिस्ट इन रिजोल्विंग डिस्प्यूट्स बाई सेटलमेंट और कोर्ट डिसीजन जितनी भी पार्टी इन्वॉल्व होती लीगल डिस्प्यूट्स में तो इस तरह की जो भी लिटिगेशन की मदद से क्या करती हैं वो अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट करती हैं या सेटलमेंट करती हैं या कोर्ट के डिसीजन में वो हेल्पफुल होती हैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल For example, this may arise due to compensation and benefit disputes. This may arise due to compensation and benefit disputes. The forensic accounting may be utilized as an expert witness if the dispute escalates to a court decision. Fine. Now it is clear, I think. So, come to the next slide, and it is a forensic accounting for criminal investigation. Forensic accounting jo hai criminal investigation is use ki jati इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्कवर वेदर द क्राइम अकर्ड एंड अस इज द लाइकलीहुड और क्रिमिनल इंटेंट कि आखिर क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है हुआ था जान बूझ के किया गया या जान बूझ के किया गया तो किस पर्पज से किया गया वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड दिस ईच एंड इन्वेस्टिगेशन कम इन दिस फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सच क्राइम्स में इंक्लूड एम्प्लॉई थ सिक्योरिटीज़ फ्रेड सिक्योरिटीज़ फ़्रॉड फॉल्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइंग और इंश्योरेंस फ्रॉड जैसे मैंने ये बताया कि भाई आपका एक सत्यम का केस था जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो नाम आया था वहाँ के जो जिसे सारी चीज़ें कंट्रोल में थी रामालिंगम राजू के नाम उन्होंने क्या किया था अपने जितने भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उसमें प्रॉफिट को या उनकी जितने भी एसेट्स को प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया गया था लेकिन एक्चुअली में जब उनकी ऑडिट हुई तो वो सारी चीज़ें गलत पाई गई और जैसे जैसे उन्होंने अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करके दिखाया था तो उनके शेयर्स के प्राइस इंक्रीज़ हुए थे जो शेयर्स के प्राइस थे वो भी इंक्रीज़ हुए इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया और लेकिन एक्चुअली में जो उनका प्रॉफिट था वो इतना एक्चुअली में था नहीं लेकिन जब फाइंड आउट या फाइंड आउट किया गया वो देखा कि प्रॉफिट तो एक्चुअली में उनका बहुत डाउन है तो रातों रात उनके जो शेयर्स के प्राइस थे वो बहुत डाउन आ गए थे तो इन चीज़ों के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग यूज़ की जाती है ताकि आखिरकार वो किस रीज़न से थेफ्ट किया गया है, या क्या फ़्रॉड किस वजह से किया गया क्या उसके पीछे रीज़न रहे क्राइम के पीछे एक्चुअल रीज़न था क्या इस क्राइम को फाइंड आउट करने के लिए फ़्रॉड या फिर उस फ्रॉड को फाइंड आउट करने के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग का यूज किया जाता है कि आखिरकार हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या गड़बड़ी है या क्या क्या गड़बड़ियाँ की गई हैं जानबूझ कर फाइन फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज ऑफन ब्रॉट टू बियर इन कॉम्प्लेक्स एंड हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल क्राइम अब बात आती है फॉरेंसिक अकाउंटेंट की फॉरेंसिक अकाउंटेंट इज ऑफन रिटेन टू दरअसल फॉरेंसिक अकाउंटेंट का क्या काम होता है उनका मेन काम होता है एक तो इन्वेस्टिगेट करना इन्वेस्टिगेट से पहले इस इन्वेस्टिगेट के पहले कि दरअसल क्या फ्रॉड हुआ है उसके बारे में जानना इन्वेस्टिगेट करना देन एक रिपोर्ट बनाना उस रिपोर्ट के बाद कम्युनिकेट करना ये आपका एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट का कहें या फॉरेंसिक ऑडिटर का कहें उसका काम होता है इट इज़ ऑफन रिटेंड टू एनालाइज इंटरप्रटेट एंड समराइज एनालाइज करना साथ साथ इंटरप्रिटेट करना उसकी समरी प्रिपेयर करना एंड प्रजेंट अ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिलेटेड इश्यूज इन अ मैनर इस तरह से सो दैट बॉथ अंडरस्टैंडेबल एंड प्रोपरली सपोर्टेड फाइन अब इन्वेस्टिगेट के बाद क्या करता है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है ताकि वो जो रिपोर्ट किस में काम आ सके आपके कोर्ट के डिसीजन में काम आ सके जो भी कोर्ट में डिसीजन लिए जाएंगे फाइन उस क्राइम से रिलेटेड फॉरेंसिक अकाउंटेंट मे ऑल्सो असिस्टेंट सर्चिंग फॉर हिडन एसेट इन डाइवोर्स केसेज और प्रोवाइड देयर सर्विस फॉर देयर फॉर अदर सिविल मैटर्स सच एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिसएग्रीमेंट रिलेटिंग टू कंपनी एक्जिशन एंड ब्रीच ऑफ वॉरटी बिजनेस वैल्यूएशन डिस्प्यूट्स होता क्या है किसी अगर सपोज कीजिए कि दो व्यक्ति के बीच में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये है मिस्टर ए यह है मिस्टर बी अब मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था मिस्टर बी के साथ किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर अब हुआ क्या मिस्टर बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ब्रीच अब मिस्टर ए ने इनके ऊपर ठोक दिया दावा कि भाई साहब मीनू ने जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसकी वजह से मुझे एक करोड़ का लॉस हुआ है आई हैव टू फेस नियर अबाउट वन करोड़ लो वन करोड़ रुपीज़ सो so, मुझे जो अपना कंपनसेशन चाहिए मुझे बी से वन करोड़ का कंपनसेशन चाहिए अब कोर्ट क्या करती है कोर्ट एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को बुलाती है या ऑडिटर को बुलाती है उससे कहेगी कि भाई आप अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करिए ये आखिरकार एक्चुअली में क्या मामला है वो बताइए अब क्या वाकई में मिस्टर बी की वजह से जो लॉस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से क्या एक करोड़ का ही है या कम का है क्योंकि एक करोड़ छोटी अमाउंट तो है नहीं तो इस वजह से जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट हैं सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं फाइन द नेक्स्ट इज़ फॉरेंसिक अकाउंटेंट इज़ ऑफन इन्वाल्व इन किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर इन्वॉल्व इन फ्रॉड दे एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एविडेंस दे एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईच एंड एवरी थिंग क्या क्या उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उसमें किस किस क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से रिप्रेजेंट की गई है क्या एक्चुअली में जो रिप्रेजेंट की गई हैं वो ऐसी ही थी वाकई में और वो दरअसल किसी से भी पूछताछ भी कर सकते हैं किसी का इंटरव्यू भी ले सकते हैं फाइन इस चीज़ को लिए इस चीज़ के लिए टू फाइंड आउट द एक्चुअल एविडेंस और टू फाइंड आउट द बेसिकली वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड द क्राइम नेक्स्ट इज डेवलपिंग कंप्यूटराइज एप्लीकेशन टू असिस्ट इन एनालाइज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एविडेंस साथ साथ कंप्यूटराइज <coughs> एप्लीकेशन भी डेवलप करते हैं ताकि वो एक फाइनेंशियल एविडेंस को प्रेजेंट करने में हेल्पफुल हो सके कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग्स हैज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या करते हैं रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं वाई दे प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट सो देट दे कैन कॉम्युनिकेट टू द कोर्ट एज वेल एज बॉर्ड द पार्टीज देयर फाइंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट Exhibits and collection of the documents. <clears throat> why they communicate and why they just prepare the report so that a report can assist in legal proceedings. Findings, including testifying in an as an expert witness with and preparing visual aids to support trial evidence. What is forensic accountant? लेट दे आर समाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स विच विल ऑफ़न बिकम इन्वॉल्व इन फॉरेंसिक अकाउंटेंट क्या क्या काम करते हैं दे डू द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन दे डू शेयर होल्डर्स एंड पार्टनरशिप डिस्प्यूट्स क्या क्या शेयर होल्डर्स और पार्टनरशिप के बीच में कोई भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स होता है उसको सॉल्व आउट करने के लिए फॉरेंसिक अकाउंटेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल रोल प्ले करते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी रोल प्ले करते हैं पर्सनल इंजरी क्लेम्स चाहे मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट से रिलेटेड हो या पर्सनल इंजरी क्लेम्स से भी हो उसमें भी फॉरेंसिक अकाउंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्या करते हैं वो सारी चीज़ों को एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं या ये कहें कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द कोर्ट ताकि एक्चुअली में क्या चीज़ें हैं क्या हुआ रीज़न वो जितने भी फाइंडिंग्स हैं वो सही पा पाएँ और कोर्ट अपना डिसीजन सही तरीके से ले सके दे आर इन्वॉल्विंग इन बिजनेस इंटरप्शन एंड अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स अदर टाइप मीन्स ऑल द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स इफ द अमाउंट इज सो बिग बिजनेस एम्प्लॉय फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन मेट्रीमोनियल डिस्प्यूट्स बिजनेस इकोनॉमिक लॉसेज एज वेल एज प्रोफेशनल नेगलीजेंस इन सभी चीज़ों में फॉरेंसिक अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि दरअसल बिज़नेस को लॉसेस हो रहे हैं तो क्यों क्या रीज़न है आखिरकार ऐसा तो नहीं है कि जो उनके अकाउंटेंट हैं जो उन्होंने अकाउंटेंट वहाँ बैठा रखे हैं वो कोई फ्रॉड कर रहे हो उनकी वजह से भी फ्रॉड हो सकता है सपोज़ कीजिए एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा देते हैं कि मिस्टर ए है जो कि एक बड़ी सी कंपनी के मालिक हैं और उस कंपनी में सारा का सारा जो जिम्मेदारी दे रखी है वो मिस्टर बी को दे रखी है चाहे वो अकाउंटिंग की जिम्मेदारी हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जिम्मेदारी हो यानी कि एम्प्लॉज़ को रखने की या निकालने की चाहे वो मार्केटिंग या सेल्स या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड हो अब जब किसी एक के हाथ में इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी तो ऑबियसली उसके हाथ में पावर भी होगी वो चीज़ों को चेंज भी कर सकता है या ये कहें कि वह वाउचर्स में भी चेंज कर सकता है वाउचर्स जैसे कि किसी ने डिमांड तो की डिमांड मतलब इन्होंने कंपनी ने तो मंगाया एक लाख का माल लेकिन वहाँ एक जीरो ही तो बड़ा नहीं है उसे कर दिया गया कि दस लाख का माल है जी इतना आया था फाइन या ये कहें जी एक लाख ना करके वो कर देगा जी टू लैख का कम से कम इतना तो फ्रॉड आराम से कर ही सकता है करते करते नियर अबाउट अगर उसने टेन लैख लेक से लेके कर फिफ्टी लैख्स तक भी फ्रॉड कर दिया इट इज़ वेरी बिग अमाउंट तो इन चीज़ों में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटेंट जिससे कि होता क्या है एक फॉरेंसिक ऑडिटर होता है जो इन सारी चीज़ों को ऑडिट करता है लेट्स वॉट आर द स्टेप्स इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग फर्स्ट दे मीट विद द क्लाइंट और क्लाइंट से मिलने के बाद वो दरअसल देखते हैं कि आखिरकार कन्फ्लिक्ट क्या है दे चेक द कन्फ्लिक्ट आफ्टर चेकिंग द कन्फ्लिक्ट इनिशियल दे स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जिस तरह की भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है उसके बेसिस पे कि क्या क्या कन्फ्लिक्स हैं और किस किस डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे वेरीफाई करनी चाहिए क्योंकि वो किससे पता चलेंगे कि आखिरकार कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे आफ्टर दैट आफ्टर इनिशियल द इन्वेस्टिगेशन दे डेवलप एन एक्शन प्लान आफ्टर डेवलपिंग एन एक्शन प्लान देलिवेंट एविडेंस एविडेंस इकट्ठे करना स्टार्ट कर देंगे जिन्हें कहते हैं कि सबूत after evidence after collecting the relevant evidence they perform and analyze all the evidence and on the basis of on the basis of analysis of evidence they prepare a report and they submit to the both the parties as well as to the court also fine and the next is forensic accountant retains by किसके थ्रू रिटेन किए जाते हैं लॉयर पुलिस फोर्सेस इंश्योरेंस कंपनीज़ गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड एजेंसीज़ बैंक्स के थ्रू भी किन किन को मेरा मतलब ज़रूरत पड़ती है फॉरेंसिक अकाउंटेंट की पुलिस फोर्स को भी इंश्योरेंस कंपनी को अगर यह मैं ये कहूँ कि जितने भी आपकी कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं या कॉरपोरेट है पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड उन सभी को ज़रूरत पड़ती है चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज़ हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हो या पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो या कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई बिज़नेस कम्युनिटी भी हो चाहे कोई कोर्ट हो या कोई बैंक भी हो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो आफ्टरऑल इन सभी को ज़रूरत पड़ती है आपकी फॉरेंसिक अकाउंटेंट वॉट आर द एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड फॉरेंसिक अकाउंटेंट प्रोफेशनल आखिरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द इंडिया फोरेंसिक डॉट कॉम दे शुड हैव एटलीस्ट फोर्टी फाइव पॉइंट टू बी आर सर्टिफाइड फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स एंड एवरी ईयर ऑफ एजुकेशन कैरीज टेन पॉइंट एंड एवरी ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंसिस वर्थ रुपीज फाइव पॉइंट हर साल का एक एक्सपीरियंस जो होता है वो फाइव पॉइंट उसने दे देगा टू पुट इन सिंपल वर्ड अगर आसानी सिंपल वर्ड में कहें कि एनी ग्रेजुएट विद मिनिमम थ्री ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तीन साल का एक्सपीरियंस इज एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सी एफ ए पी इट मीन सर्टिफाइड सर्टिफाइड फोरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स एग्जाम्पल सी ई सी एस एक्सपीरियंस हु कंप्लीटेड थ्री ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस वॉन्ट्स टू अपीयर फॉर द एग्जाम ऑफ सी एफ ए पी then it is essential that he is graduate graduate hona compulsory experience of ca articleship is valid experience for the purpose of cfap eligibility fine so these are the eligibilities which are which is which are needed for the forensic accounting professionals so thank you friends and these are the references thanks thanks to all